सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रद्युम कौरव और होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एक और टॉपिक है आज की, आर रशियन यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल और नॉट। बड़ा क्वेश्चन है वो, ठीक है। सो इंट्रो देख लो, फिर बढ़ता हूँ आगे मैं। रशियन यूनिवर्सिटी आर बाइलिंगुअल और नॉट, तो भाई इसका सीधा सा आंसर दूंगा कि रशियन यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल होती है, ठीक है। रशियन यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल होती हैं, बट अगर औरंगबाग की बात करो तो नहीं है। ओके, सबसे मेन पॉइंट में यही बोलूंगा। आप रस एजुकेशन के अगर ब्रॉशर में देखेंगे तो वहां लिखा है कि बाइलिंगुअल नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पता यही पूछा था कि मतलब हाँ कोई दूसरी कंसल्टेंसी होगी यार, अब उसका मेरे को क्लियर नहीं है उनने क्या लिखा हुआ है, उनने अपने हिसाब से लिखे रहते हैं। क्योंकि देखो एक मेन चीज मैं बताऊंगा कि जितने भी कंसल्टेंसी होती है ना, उनके कुछ मेन कॉलेजेस होते हैं जिसमें वो अपना एडमिशन करवाने के लिए पूरा फोर्स करते हैं, ठीक है। तो उसके चक्कर में वो लोग अपनी कुछ जो उनकी मेन यूनिवर्सिटी होती है उनको सही बताते हैं, और जो उनके नजर में फालतू यूनिवर्सिटी होती है जिसका उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ये करवाने का, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता इसका एडमिशन करवाने का, तो उसका वो लोग फालतू आपको बता देंगे या अपने ब्रोशर में वो लिख देंगे। तो अगर मैं औरंगबाग की बात करूं तो भाई औरंगबाग बिल्कुल भी रशियन ये बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं है। वहां पे फुल ईयर 6 ईयर्स का आपका इंग्लिश है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात औरंगबाग कह रहा है और ये बात वहां के बच्चे कह रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लो, सब आपको यही बोलेंगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है, किसी से भी पूछ लेना। और जो मेरे से क्वेश्चन भी करते हो ना कि भाई हमारी इसमें तो ये लिखा था, तो भाई ये क्वेश्चन मेरे से मत किया करो, क्योंकि मैं बहुत बार सबको बता चुका हूं कि औरंगबाग बाइलिंगुअल नहीं है, पूरा 6 ईयर इंग्लिश चलता है वहां पे। मैं अभी जैसे 3rd ईयर में हूं, मैं भी जब आया था तब भी मेरे को यही प्रॉब्लम था कि भाई यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल है कि नहीं है। मैंने तबियर देखा, तबियर बाइलिंगुअल था, पर रस एजुकेशन से वालों ने उसमें नहीं लिखा है, शायद उन लोगों ने लिखा है फुल ईयर इंग्लिश है, ठीक है। तो ये सब देख के आया करो यार, कंसल्टेंसी के चक्कर मत लगा करो कि कंसल्टेंसी ने क्या लिखा है, वहां के बच्चों से पूछो। औरंगबाग का मैं बोलूंगा तो पूरा फुल ईयर इंग्लिश है 6 ईयर्स, ठीक है। अभी मैं कुछ दिनों बाद अपना ऑनलाइन क्लासेस का भी डालने वाला हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कैसे टीचर्स लेते हैं क्लास, कुछ कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के मैं डालूंगा, ठीक है। उसमें आप देख लेना कैसे कैसे मतलब पढ़ाते हैं, कैसे कैसे क्या, वैसे पढ़ाने का तो आइडिया नहीं मिलेगा, पर यह कि ऑनलाइन कैसे चल रही है आप वो देख सकते हैं। सो मेन ये मैंने बता दिया, नहीं 6 ईयर्स इंग्लिश है, बाकी फर्स्ट। और देखो फ्लुएंसी इतनी नहीं मिलेगी, ये मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जैसे इंडिया के डॉक्टर्स की फ्लुएंसी होती है, हमारे डॉक्टर हमारे हम लोग की जितनी फ्लुएंसी रहती है उतनी फ्लुएंसी वहां पे इंग्लिश में नहीं है। वहां पे पर्टिकुलर जो मेन उनकी लैंग्वेज है, डोमिनेंट लैंग्वेज, वो रशियन है। हमारे इंडिया में ये फालतू चीज करी जाती है कि बचपन से हिंदी पढ़ा के एकदम से इंग्लिश में करते हैं, वहां ऐसा नहीं है। वहां गवर्नमेंट रशियन ही उन लोग को बोलती कि रशियन में बोलो, रशियन के सब कुछ उनका यही है, ठीक है ना, यूएस है। तो वहां पे क्लासेस उन लोग की जो टीचर्स होती है उन लोग की तो इंग्लिश में लगती है, या बचपन में भी बच्चों को वहां पढ़ाया जाता है इंग्लिश, पर वो सीखते नहीं, इसलिए बहुत लोग को आती है, बहुत लोग को नहीं आती वहां पे इंग्लिश, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई सबको ही नहीं आएगी, पर मैक्सिमम जो आप बोलोगे 70% वो वहां रशियन बोलते हैं, 30% ही आपको जो मिलेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं। औरंगबाग में, मॉस्को में 50-70% आपको इंग्लिश बोलने वाले मिल जाएंगे। थोड़ी अच्छी कंट्री है वो, सॉरी अच्छी कंट्री नहीं है, अच्छी सिटी है वो मॉस्को। सो और क्या था, हाँ ये जो मैंने आपको बताया कि बाइलिंगुअल नहीं है, आप फर्स्ट ईयर में देखोगे एनाटॉमी में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अभी टीचर जैसे कुछ नया आया, जब हम लोग के में थे तो शाली को मैम है, डियाना मैम, इन लोगों की बहुत फ्लुएंट इंग्लिश है, इन लोगों की कुछ भी बोलो इनको समझ आ जाता है। यहां तक कि हिंदी में यार गाली मत देना, अगर आप ये सोच रहे हैं ना, कई बार ये भी होता है कि बच्चे सोचते हैं कि मैडम है इनको तो हिंदी आती नहीं होगी, अपना बढ़िया करते रहते मां बहन, उनको समझ आ जाता है, तो ये वहां गलती मत करना, सॉरी टू से, पर ये मैं बता रहा हूं नॉर्मली कुछ कुछ होते हैं वहां पे। बाकी हिस्टोलॉजी जैसे आप देख लो, हिस्टोलॉजी में इतने अच्छे टीचर्स नहीं है, वहां टीचर्स पे भी डिपेंड करता है। मेन जो मेन HOD होगा, जो बहुत बूढ़ा होगा, उसको भाई रशियन में बात करेगा वो, उसको इंग्लिश ज्यादा अच्छे से नहीं आएगी। जो नए नए टीचर्स होंगे वहां के
उनको इंग्लिश आएगी क्योंकि वो नई नई यूनिवर्सिटी से होते हुए आते हैं, ठीक है। जितने ओल्ड होंगे उतने ज़्यादा उनको रशियन आती है, इंग्लिश नहीं आती है। तो जैसे फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने एनाटमी का बता दिया, कुछ टीचर्स को अच्छे से आती है, कुछ को नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा बोलते, थोड़ा थोड़ा रशियन में बोलते, पर वो आपको समझ आ जाता है। अब वो भी एसेंट आपका समझ लेती किस हिसाब से आप बोलना चाहते हैं। सेकेंड ईयर में जैसे आ जाओ तो फिजियोलॉजी है। अब फिजियोलॉजी में येवगेनी सर है, बाकी एक और है उनकी सिस्टर है शायद जो, या वाइफ है जो पढ़ाती हैं, उनको भी अच्छे से इंग्लिश आती है, और एक और टीचर है उसको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, थोड़ी रशियन में बोलता है वो, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना, अब वो किस्मत है किसको कैसा टीचर मिल जाए। फिर बायोकेमिस्ट्री सेकेंड ईयर में, वो भी आपकी ऐसी है, उसमें कुछ टीचर ऐसी कि उन लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आई, कुछ ऐसी हैं कि बिल्कुल नहीं आती। थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में बस, हाँ थर्ड ईयर में जैसे मैं बोलूंगा मेन आपको सर्जरी में दिक्कत आएगी भाई। सर्जरी का टीचर यहाँ पे सिर्फ एक है, औरन भगवान। जो बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं उनका जो मेन टीचर होते हैं कम कम होते हैं, मतलब एक बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से चलूँ तो मैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई रशियन यूनिवर्सिटी हो गई, एग्जाम वो सब है वो आपका इंग्लिश में होता है, बस वो पढ़ाता रशियन में तो उसमें आपको दिक्कत आती है, और कुछ कुछ वो आपसे रशियन में भी पूछता है तो वो आपको बताना पड़ता है। और सिर्फ यहाँ पे थर्ड ईयर में दिक्कत है, अगर मैं बेसिकली एक उस हिसाब से बताऊं तो थर्ड ईयर में, बाकी आपका जितने भी है ना वो सब पूरा इंग्लिश ही चलेगा। अगर मेरे पे बात पे विश्वास नहीं है तो भाई किसी से ही पूछ लेना, पर मेरा ये रहता है कि जो रहता है मैं उतना ही बताता हूँ जो सच रहता है। और बाकी बाकी कोई यूनि बाकी सब्जेक्ट का तो आप जैसे जैसे कर आते जाओगे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर आपको पता चल जाएगा। मेन यही था कि बाइलिंगुअल है कि नहीं है, तो भाई नहीं है, पूरा इंग्लिश है। जिनके ब्रोशर में लिखा है उनको उनको भी मेरी वीडियो दिखा देना, मैं तो यही बोल रहा हूँ। अब उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं। और देखो कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि कावाडिनो पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी को ये है, या आपकी यूनिवर्सिटी, भाई इन सब का मुझे नहीं पता रहता। मुझे मेनली कुछ यूनिवर्सिटीज का ही पता रहता है, तो प्लीज ये सब मेरे से मत पूछा करो क्योंकि मुझे इन सब का आइडिया नहीं रहता, और फिर मैं आंसर नहीं दे पाता, या फिर कुछ भी मुझे बोलना पड़ता तो मुझे भी हिचकिचाहट होती है, ठीक है। सो यही कुछ बातें थी जो मेन थी बताना। होप आप समझ गए होंगे कि औरंगबाग अच्छा है, ठीक है। तो भाई इधर आओ और पढ़ो, अच्छा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड करता हूँ मैं ब्लॉग, ब्लॉग नहीं वीडियो, ये है ब्लॉग कहाँ बना रहा हूँ मैं अभी घर में, जल्दी यूनिवर्सिटी खुल जाए। सो भाई सब्सक्राइब माय चैनल, और जो देखते हैं वो तो सब्सक्राइब कर चुके हैं, पर जो कुछ कुछ हैं जो देखते भी हैं पर वो भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनको भी मैं यही प्रार्थना होगी भाई सब्सक्राइब कर लो, हर वीडियो में यही बोलता हूँ। तब तक ले जाता हूँ, बाय।